दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि 11 ट्वेल्थ और आईआईटी में कितना फासला है। दोस्तों अगर 11 ट्वेल्थ 30 फीट गहरा है तो आईआईटी 3000 फीट गहरा है। मैं आपको इसी वीडियो में इसका एक झलक दिखलाऊं। आज मैं आपको लॉगरिथमिक बताने जा रहा हूं। If two is cubed, then find its value. Then find its find find cube root of it. To what power raised on to get at? What power raised on to get देखो बंधु, 2 इज क्यूब्ड देन फाइंड इट्स वैल्यू। तो 2 इज क्यूब्ड का मैथमेटिकल सिंबल में लिखा जाता है 2 टू द पावर क्यूब। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली फाइंड क्यूब रूट ऑफ इट, इट इज आल्सो रिटन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। इसे भी एक सिंबल में लिखा जाता है क्यूब रूट ऑफ इट। To what power raised on to, दो पर कितना पावर दिया जाए, to get at, to what power raised on to get at, दो पर कितना पावर दिया जाए कि 8 हो जाए। तो बंधु इस 2 इज क्यूब्ड के लिए 2 टू दी पावर क्यूब सिंबल है, to find क्यूब रूट ऑफ के लिए 3 इतना सिंबल है, लेकिन दो पर कितना पावर दिया जाए कि 8 हो जाए इसके लिए भी एक सिंबल है। उसी सिंबल को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उसी सिंबल को कहते हैं लॉगरिथमिक ऑफ एट, लॉगरिथमिक ऑफ एट टू दी बेस 2। इसका मतलब होता है कि दो पर कितना पावर दिया जाए कि 8 हो जाए, इसे हम लोग सिंबल में लिखते हैं लॉग एट टू दी बेस 2। 2 को बेस के रूप में पढ़ा जाता है। अगर हम इसे लिखते हैं दो पर कितना पावर दिया जाए कि 8 हो जाए, तो हम कहेंगे कि दो पर पावर x देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी 2 टू दी पावर x इक्वल टू 8, इसे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर 3, यानी x इक्वल टू 3। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि लॉगरिथमिक ऑफ 16
टू दी बेस फोर, इसका क्या मीनिंग है, चार पर कितना पावर दिया जाए कि 16 हो जाए, तो हम इसे कहेंगे कि अगर चार पर पावर x देते हैं तो 16 हो जाएगा, 4 टू दी पावर x इक्वल टू 16, यानी 4 टू दी पावर x इक्वल टू 4 टू दी पावर 2, यानी x इक्वल टू 2। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं लॉगरिथमिक ऑफ 27 टू दी बेस 3, इसका मीनिंग है तीन पर कितना पावर दिया जाए कि 27 हो जाए, 27 हो जाए, तो अगर मैं कहता हूं कि तीन पर पावर x दूंगा तो 27 हो जाएगा, यानी 3 टू दी पावर x इक्वल टू 27, यानी 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर 3, यानी x इक्वल टू 3। अगर मैं आपसे कहूं लॉगरिथमिक ऑफ -8 टू दी बेस 2, 2 पर कितना पावर दिया जाए कि -8 हो जाए, तो बंधु 2 पर तुम कितना ही पावर दोगे तो फिर भी यह कभी भी -8 नहीं होगा। बहुत से बच्चे हमसे कह देते हैं कि सर 2 पर पावर -3 देंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सीधा मतलब होता है 1 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1/8, जो कि कभी भी 8 के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा मतलब है कि लॉगरिथमिक इज नॉट डिफाइंड फॉर ए नेगेटिव नंबर, लॉगरिथमिक नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। इट मींस दैट लॉगरिथमिक इज नॉट डिफाइंड फॉर ए नेगेटिव नंबर, लॉगरिथमिक इज नॉट डिफाइंड फॉर ए नेगेटिव नंबर। लॉगरिथमिक नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। अगर मैं कहता हूं लॉगरिथमिक ऑफ n बेस n और लॉगरिथमिक ऑफ 8 टू दी बेस 1, 1 पर कितना पावर दिया जाए कि 8 हो जाए, तो बंधु 1 पर पावर कितना भी आप क्यों नहीं दे, ये कभी भी 8 नहीं होगा। इसका क्या मीनिंग है, इट मींस दैट द बेस ऑफ ए लॉगरिथमिक 1 इज नॉट पॉसिबल, इट मींस दैट the base of a logarithmic 1 is not possible, यानी लॉगरिथमिक का बेस 1 नहीं होगा, लॉगरिथमिक का बेस नेगेटिव भी संभव नहीं है, लॉगरिथमिक का बेस केवल डिफाइंड है, बेस ऑफ ए लॉगरिथमिक, बेस ऑफ ए लॉगरिथमिक इज डिफाइंड for base is not equal to 1 and base
ग्रेटर देन वन। अब मैं आपको लॉगरिथमिक का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा, उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा 11, 12th और आईआईटी एडवांस में कितना का अंतर है, उस अंतर को मैं आज कोशिश करूंगा इसी वीडियो में बतलाने का। ये पहला थ्योरम है, इसे मैं प्रूफ कर रहा हूं, बहुत आसान है, आप भी प्रूफ कर सकते हो। लेट लॉगरिथमिक ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x, a पर कितना पावर दिया जाए कि m हो जाए, यानी a पर पावर x देंगे तो m हो जाएगा। लेट लॉगरिथमिक ऑफ n टू दी बेस a इक्वल टू y, a पर कितना पावर दिया जाए कि n हो जाए, तो a पर पावर y देंगे तो n हो जाएगा। लेट लॉगरिथमिक ऑफ mn टू द बेस a इक्वल टू z, ए पर कितना पावर दिया जाए कि एमएन हो जाए, तो हम कहेंगे ए पर पावर जेड देंगे तो यह एमएन हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन वन और थ्री को, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू एंड थ्री, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई इक्वल टू एम इंटू एन, इसे मैं कहूंगा ऑर्डर नंबर फाइव। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव एंड फाइव we get a to the power x plus y equal to mn के जगह from equation 4 से मैं लिख सकता हूं a to the power z। अब law of indices के अनुसार z equal to हो जाएगा x plus y। Putting the value of x, y, z in equation 6, we get putting the value of x, y and z in equation 6 we get
logarithmic of mn to the base a equal to logarithmic of m to the base a plus logarithmic of n to the base a। ये मैंने पहला थ्योरम प्रूफ किया है। दूसरा थ्योरम मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं, लॉगरिथमिक ऑफ एम टू द पावर एन बेस ए इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ एम टू द बेस ए माइनस लॉगरिथमिक ऑफ एन टू द बेस ए। लेट लॉगरिथमिक ऑफ एम टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसका मतलब होता है ए पर कितना पावर दिया जाए कि एम हो जाए, तो हम कहेंगे ए पर पावर एक्स देंगे तो एम हो जाएगा। लेट लॉगरिथमिक ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू आई, ए पर कितना पावर दिया जाए कि एन हो जाए, तो इसे मैं लिखूंगा a टू दी पावर y इक्वल टू n। ऑर्डर नंबर टू, लेट लॉगरिथमिक ऑफ m बाई n टू दी बेस a इक्वल टू z, a पर कितना पावर दिया जाए कि m बाई n हो जाए, तो मैं इसे कहूंगा a टू द पावर z इक्वल टू m बाई n। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर थ्री, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई टू वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई टू वी गेट ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर वाई इक्वल टू एम बाई एन। लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार a टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा m बाई एन। ऑर्डर नंबर, इसे मैं कह रहा हूं फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर वी गेट ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम बाई एन के जगह बंधु मैं लिख सकता हूं ए टू दी पावर जेड। According to law of indices, z equal to x minus y, z equal to x minus y, putting the value of
putting the value of x, y, z x, y and z in equation 5 we get logarithmic of m to the power n base a equal to logarithmic of m to the base a minus logarithmic of n to the base. अब मैं तीसरा थ्योरम प्रूफ करूंगा. m टू द पावर n बेस a इक्वल टू n logarithmic of base m to the base a. Let logarithmic of m to the base a equal to a पर कितना पावर दिया जाए कि m हो जाए, तो इसे मैं लिखूंगा a to the power x equal to m order number 1 logarithmic of m to the power n equal to y. a पर कितना पावर दिया जाए कि m to the power n हो जाए, तो मैं इसे लिखूंगा a to the power y equal to m to the power n. order number 2, putting the value of m from equation 1 in equation 2, putting the value of m from equation 1 in equation 2, we get a to the power x यानी a to the power y equal to a to the power nx. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस वी कैन राइट इट y इक्वल टू एन एक्स. लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार हम y इक्वल टू एन एक्स लिख सकते हैं. अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 वी गेट द डिजायर रिजल्ट. पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 3, we get logarithmic of m to the power n equal to n logarithmic of m to the base. देखो बंधु, मैं इसे सिंपल ढंग से प्रूफ किया हूं. जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा आईआईटी लेवल का, एडवांस लेवल का, तो इसी सब थ्योरम को नया ढंग से प्रूफ करूंगा, बहुत सिंपल ढंग से प्रूफ करूंगा. लेकिन चूंकि 11th 12th को भी माइंड में मैं रख के एकदम सिंपल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया हूं. ये है लास्ट थ्योरम. Logarithmic of m to the power n having base a to the power b. यहां पर बंधु बेस पर भी पावर है, m पर तो पावर n है ही. n by b logarithmic of m to the base a. Let logarithmic of m to the base a equal to x. A पर कितना पावर दिया जाए कि m हो जाए. बार बार तो बता रहा हूं, a पर पावर x दूंगा तो m हो जाएगा. Logarithmic of let logarithmic of m to the power n equal to y. a to the power b पर कितना पावर दिया जाए कि m to the power n हो जाए. तो a to the power b पर पावर y दूंगा तो यह m टू दी पावर n हो जाएगा. इसे मैं ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द Value of m from equation 1 in equation 2, we get a to the power by equal to m के जगह है a to the power x. तो यहां पर हम m के जगह रख देंगे a to the power x और to the power n, यानी इसे मैं लिख सकता हूं a to the power by equal to a to the power nx. अब according to law of indices इसे मैं लिखूंगा py इक्वल टू nx, व्हिच इंप्लाई दैट y इक्वल टू nyb इनटू x. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
and y we get logarithmic of m to the power n having base a to the power b equal to n by b logarithmic of m to the base a. इस प्रकार लॉगरिथमिक का जो भी फॉर्मूले थे आपके लिए उसे मैंने प्रूफ किया है. अब जरा आप एक झलक देखें. मैंने आपको बताया कि लॉगरिथमिक कभी भी निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है. दूसरा ये बताया कि लॉगरिथमिक का बेस कभी भी वन नहीं होगा. लॉगरिथमिक का बेस हमेशा वन से बड़ा होगा. लॉगरिथमिक का बेस निगेटिव भी नहीं होगा. और मैं आपको तीन चार फॉर्मूले डिराइव किए. अब मैं बता रहा हूं कि 11, 12 और आईआईटी एडवांस में कितना अंतर है. जरा इसे देखें. डोमेन ऑफ ए फंक्शन fx इज डिफाइंड for all values of x for which the function is defined. The function is for which the function is defined. Domain defined तभी होता है जबकि function जिस value के लिए defined हो. अगर root के अंदर negative आ जाता है तो function undefined हो जाता है, imaginary हो जाता है. इसको mind में रख के मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉगरिथमिक ऑफ ex हैविंग बेस fx एज डिफाइंड only when point number one में नोट करो fx इज नॉट इक्वल टू. पहला fx वन नहीं होना चाहिए. लॉगरिथमिक का बेस कभी भी वन नहीं होना चाहिए. इसे मैंने आपको प्रूफ करके बताया अभी अभी. दूसरा बात, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, एक से बड़ा होगा. fx ग्रेटर देन वन. और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि लॉगरिथमिक इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ये ग्रेटर देन जीरो होगा. तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं
11, 12 और IIT का डिफरेंस बताना चाहता हूं। मान लो बंधु, मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, इफ लॉगरिथमिक x माइनस 3 नहीं कुछ दिया हुआ है तो लॉगरिथमिक का बेस हम अपना मन से 10 ले सकते हैं, प्लस लॉगरिथमिक फाइव माइनस एक्स टू दी बेस। It is defined t minus x log x minus it is defined for 3 minus x greater than 0, 3 greater than x, yani x less than 3. Also, x minus 5 greater than 0, x greater than 5. Therefore, no values of x, for which the function is, defined. इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए x का मान 5 से बड़ा और x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बंधु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तुमसे छोटा हो और तुम्हारे पिताजी से बड़ा हो, वैसा आदमी मिलना संभव नहीं है। इसलिए इसका डोमेन अनडिफाइंड है, इसका डोमेन 5 होगा। यहां पर प्लस है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 देने जा रहा हूं। फाइंड
domain of logarithmic of 10 3 minus x into x minus 5. For this function, to be defined, B must have three minus x into x minus 5 greater than 0, x minus 3 into x minus 5 less than 0. इस तरह का इनइक्वालिटी मैं आपको 11th में काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं कि IIT एडवांस में और 11th में क्या अंतर है, उसी अंतर को देखें। लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव, इसका मतलब होता है निगेटिव। तो निगेटिव के लिए आप जानते हैं प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है। तो हम कह सकते हैं इधर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 लेस देन 0, क्योंकि x माइनस 5 निगेटिव है, निगेटिव को हम लेस देन से दिखलाते हैं, लेस देन 0 से, यानी x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5, इसे हम लिख सकते हैं x लेस देन 5 ग्रेटर देन 0, यानी इसका डोमेन डिफाइंड है, दैट इज इट इज डिफाइंड फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स for which x less than 5 greater than 3। यानी बंधु देखो, यहां पर मैं इस फंक्शन को इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान दें, ये फंक्शन जो है हम लोग कभी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जरा आप गौर से देखें, लॉगरिथमिक m इंटू n इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ m प्लस लॉगरिथमिक ऑफ n इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ये फॉर्मूला अभी आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 को हम लॉगरिथमिक ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं, यह लिखना मर्डर करना है, क्योंकि इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन जो अभी हम लिखे हैं ये डिफाइंड है, लेकिन इसका डोमेन अनडिफाइंड है, इसका डोमेन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, लेकिन इसका डोमेन डिफाइंड है।
आप देख रहे हैं एक्स लेस देन फाइव ग्रेटर देन थ्री है, इसलिए ये फॉर्मूला जब भी हम लोग लिखेंगे लॉगरिथमिक ऑफ एम एन टू दी बेस ए, लॉगरिथमिक ऑफ एम टू दी बेस ए प्लस लॉगरिथमिक ऑफ एन टू दी बेस ए, तो हम लोगों को हर हाल में डोमेन चेक करना होगा। आईआईटी में जनरली इस प्रकार का प्रॉब्लम देते हैं कि बच्चे इसे फार्मूला पर लिखें और वो गलत हो जाए, चूंकि डोमेन वहां पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपको वैसा ही प्रॉब्लम देता है जिसका डोमेन करेक्ट हो वो फार्मूला पर बैठ जाए। लेकिन आईआईटी में सावधान, दिस फार्मूला जो है लॉगरिथमिक ऑफ एम एन टू दी बेस ए इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ एम टू दी बेस ए प्लस लॉगरिथमिक ऑफ एन टू दी बेस ए, इट इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर डोमेन्स आर सेम। तो बंधु मैं इसे मैथ में पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा, आज मैं इतना ही, आज का क्लास खत्म करता हूं। लेकिन बंधु मेरे पैरों में लाइक रूपी सब्सक्राइब रूपी घुंघरू बांध दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, यह बहुत दुख की बात है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको बहुत जल्द हम लाइव क्लास भी अवेलेबल कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसे लाइक और सब्सक्राइब करने से न चुके और साथ ही साथ इसे शेयर भी करना न भूले, कम से कम अपने एक दोस्त को तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।